इंस्टॉलेशन के लिए फर्स्ट स्टेप होगा कि आप पेन ड्राइव बूटेबल बना लें, जैसे कि अभी मैं आपने विंडो टैब पे दिखाता हूँ कैसे बन के क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका मॉडल है यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, जो भी है 620 600 जो भी मॉडल है आपका थिन क्लाइंट का, जो भी XYZ, तो मेरा 628 था, मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया था। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लाइसेंस है, तो इसमें हमने इसका वर्जन डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे क्लियर विजिबल है विंडो 7 जिसका आपको लाइसेंस होगा। अब लाइसेंस भी दिखाता हूँ कहाँ पे होना चाहिए। मैंने 32 बिट का इसमें लिया है इमेज, फिर आपको करना है इंसर्ट USB, जो मैंने इंसर्ट किया था बना लिया था, फिर आपको क्रिएट पे यहाँ पे क्रिएट कर देना, फॉर्मेट होगा, फिर 100% डाउनलोड होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप चलते हैं इंस्टॉलेशन की ओर। हम पेन ड्राइव इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है, पोर्ट में, और हम कॉन्फ़िगरेशन ऑन करेंगे, फिर अपने मल्टीमीटर को हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर ऑन के लिए यहाँ पे दिया है, ऑन करते हैं और डिस्प्ले आ जाएगा। हमने पावर ऑन किया और बूट किया, ऑटोमेटिकली बूट हो गया, ये आया। तो हमें वाई प्रेस करना है, अगेन वाई, ठीक है, इनिशियलाइजिंग हो रहा है और ये इंस्टॉल हो रहा है। आप देखिए, प्लीज़ डू नॉट पावर ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो 0% कंप्लीट दिखा रहा है, तो डीप इंस्टॉलेशन हो रहा है अंडर प्रोसेस में हमारा भी। ये जो वो कंप्लीट हो जाता है तब हम दिखाते हैं, नहीं तो ये प्रोसेस जो चल रहा है ये कंप्लीटेड दिखा रहा है 0% तभी चल रहा है। तो अभी ये होने के बाद आपको दिखाऊंगा कि वीडियो लंबा ना जाए, आप भी शॉर्ट टाइम में देख के आपको आइडिया हो जाए। नहीं करना इसे लगा के पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के बाद उस जैसे प्रोसेस मैंने बताया सॉफ्टवेयर से HP के, आपको F9 प्रेस कर देना है या छोड़ देना, ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा इसी से। तो फिर ये ऑप्शन आएगा, आपको YY प्रेस करना है 2 बार। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू यूटिलिटी, यू वॉन्ट टू रन दिस यूटिलिटी। देखो लाइट चली गई, तो आते ही करते हैं दोबारा। तो देखिए अगेन पावर ऑन करते हैं इसे, क्योंकि लाइट चली गई थी, तो क्योंकि ये नोएडा एरिया है तो यहाँ पर लाइट जाता रहता है। देखिए यहाँ बूट कर गया, आपको मैं कुछ नहीं प्रेस कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक बूट होगा HP के ISO से, सॉरी बूटेबल पेन ड्राइव से। तो देखिए बूट होने के बाद क्या ऑप्शन आएगा, थिन क्लाइंट को ऐसे इंस्टॉल करते हैं। अभी 810 का लोगो है यहाँ पे आएगा जैसे होता है, और बूटिंग का आएगा देखने, कुछ नहीं करना होता, SS करना होता है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। और यहाँ पे आ गया, देखिए ये प्रोसेस आ रहा है, ठीक है, इन क्लाइंट इमेजिंग टूल वर्जन इतना इतना, यूटिलिटी फॉर्मेट फ्लैश डिस इरेज ऑल डेटा। तो आपका डेटा इरेज हो जाएगा, तो आप ये ज़रूर देख लें कि आपका कोई डेटा है या नहीं है। तो ऑपरेटिव यहाँ बोला है इट विल देन रिस्टोर द ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस, ठीक है। तो वहाँ पे डू वांट टू कंटिन्यू, वाई प्रेस करना है, यस अगेन वाई। अब बोला है ऑफ़ नहीं करना क्योंकि लाइट चली गई, ऑफ भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, दोबारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर सकते हो। ये फ्लैश हो जाएगा आपका जो SSD या ROM लगा होता है, तो फ्लैशिंग चल रहा है 0% पे। अब 100% कंप्लीट होती है आपको दिखाते हैं, लंबा ना हो जाए दोबारा से हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 46% कंप्लीट है, अभी चल रहा है इंस्टॉलेशन, 100% कंप्लीट होते ही नियर अबाउट मैं आपको फिर से दिखाऊँगा। हो गया थिन क्लाइंट का, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है प्लीज प्रेस S2 शट डाउन योर सिस्टम एंड रिमूव द USB फ्लैश डिस्क। सक्सेसफुली हो चुका है 7, ठीक है, 17 मिनट 20 सेकंड में। तो ये फ्लैशिंग हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, S प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, ठीक है, कीबोर्ड में S प्रेस करते हैं और शट डाउन हो जाएगा। एस प्रेस कर दिया, कीबोर्ड में शट डाउन हो गया, एंड अब ऑन करते हैं अगेन।
तो देखिए यहाँ पे आ गया विंडोज स्टार्टिंग, सेटअप कंप्लीट हो रहा है। स्टार्टिंग के बाद आफ्टर रजिस्टरिंग वेट करते हैं, जैसे नॉर्मल विंडो डल जाता है। ये क्या बोल रही था? सेटअप इज स्टार्टिंग। सेटअप चल रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है विंडो इंस्टॉलेशन के बाद। तो मैंने फ्लैश ड्राइव बना लिया, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आपको डाउनलोड कर लेना टूल्स को और वहाँ से जाके आप बूटेबल बना सकते हैं पेन ड्राइव को और फ्लैश कर सकते हैं। तो स्टार्ट होने देते हैं फिर दिखाते कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेटिंग अप्लाई सेटिंग अभी 80-100% हुआ था, तो रिपेयर हो रहा। तो सेटअप विल बी कंटिन्यू आफ्टर स्टार्टिंग। जैसे 7 में विंडो डालते हैं तो 100% कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ तक आता फिर स्टार्ट होता है, वैसे ही होगा। तो कंटिन्यू स्टार्टिंग विंडोज। चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस। वेलकम स्क्रीन आ गया और विंडो ओपन हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइटनेस इस LCD की ज़्यादा है। अब ये लॉग ऑफ होगा, एक बार शट डाउन होगा, फिर उसके बाद से रिस्टार्ट होगा, उसके बाद कंटिन्यू ओपन विंडो ओपन हो जाएगा और हमारा सिस्टम नॉर्मल वर्क करने लगेगा। आप उसके बाद लाइन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो नेट भी चला के देख लेते हैं एक बार, नेट का ड्राइवर देखते हैं, लाइन का ड्राइवर है या नहीं है। वो नहीं होगा तो इंस्टॉल करना होगा। और ब्राउज़र भी हमें कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो HP की साइट से जाकर डाउनलोड करके हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जो एडिशनल सॉफ्टवेयर है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, फिर वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। और आपकी कोई इशू क्वेरी ये नहीं हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए विंडो प्रेस किया, कंट्रोल पैनल में गए, ठीक है। यहाँ पर डेट एंड साइन टाइम सेट करेंगे, 18 में कोई नहीं, विंडो हो चुका है। आप सेटिंग कर लेना जो भी करना है। धन्यवाद।